दिल्ली से सटे गाजियाबाद से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। इस घटना को जानने के बाद शायद आपको खाने से भी नफरत हो जाए या आप किसी और के बनाए खाने पर भरोसा ना कर सकें। दरअसल यहां गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक की एक सोसाइटी का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला किचन में एक बर्तन में यूरिन पास करती है, इसके बाद वह उस यूरिन को खाने में डाल देती है। बताया जा रहा है कि यह महिला नौकरानी है जो सोसाइटी के एक घर में खाना बनाने का काम करती थी। दरअसल मामले का पता तब चला जब परिवार के सभी सदस्यों की तबीयत खराब रहने लगी। परिवार वालों ने डॉक्टर से भी चेक कराया लेकिन कोई वजह सामने नहीं आई। उन्हें जब खाने पर शक हुआ तो उन्होंने किचन में कैमरा लगा दिया, तब जाकर ये हैरान कर देने वाला खुलासा हो सका। सामने आया वीडियो 14 अक्टूबर का बताया जा रहा है। वहीं घटना का वीडियो सामने आने के बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत की है और FIR भी दर्ज करा दी है। पुलिस अभी भी मामले की जांच कर रही है। पीड़ित परिवार का कहना है कि ये महिला पिछले 8 साल से वहां पर खाना बनाने का काम कर रही है। पूरे परिवार को रिवर्स शिकायत होने के बाद उन्होंने किचन में कैमरा लगा दिया। पीड़ित परिवार का कहना है कि महिला ने यूरिन पास करने के बाद उसे आटे में मिला दिया और फिर उसकी रोटियां बनाई। महिला ये काम कब से कर रही थी इसका अभी तक पता नहीं चल सका है। फिलहाल शिकायत के बाद आरोपी महिला को क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। महिला से पूछताछ की जा रही है।